नेपाल के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है। खुशी की खबर जुड़ी हुई है भारत के यहाँ पे सबसे बड़े सिंगर कहें या फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े सिंगर कहें, जो कि नेपाल के अंदर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन है वो सिंगर जो कि नेपाल आ रहा है, और दूसरी बड़ी बात ये कि कब आ रहा है, और जब भी आ रहा है उसके बाद यहाँ पे किस किस चीज़ों के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और ये जो सिंगर है इसे इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि क्यों है जिसकी बदौलत हम ऐसी बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड के सबसे महान सिंगर या फिर इंडिया के सबसे महान सिंगर, क्योंकि ये रियलिस्टिक हैं और ये जो सिंगर हैं वो यहाँ पे अपनी रियल आवाज़ के दम पर लाइव कंसल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा छाए हुए रहते हैं। तो पूरा यहाँ पे वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वैसे जो सिंगर हैं आजकल उनकी वॉइस नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे मिक्सिंग करके गानों को बनाते हैं और हिट भी हो जाते हैं। लेकिन अब कुछ ही सिंगर ऐसे बचे हैं जो कि रियल आवाज़ होती है उनकी, इसके साथ साथ वो रियल यहाँ पे सीख कर आए होते हैं म्यूजिक को, और बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता भी है इन चीज़ों को लेकर जब भी लाइव कंसल्ट में जाते हैं। क्योंकि जो सिंगर पीछे म्यूजिक चलाकर या फिर हम कहें कि पीछे गाना चलाकर गाना गाता है, उससे सीखने को कुछ नहीं मिलती, उससे कोई प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन जो यहाँ पे रियल में अपनी आवाज़ में गाता है माइक के थ्रू, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड के महान सिंगर जो कि अब की बार आईपीएल के अंदर भी कहीं ना कहीं देखे तो परफॉर्मेंस दी थी, अरिजीत सिंह, जिनको कौन नहीं जानता, नेपाल के अंदर भी उनके लाखों दीवाने आपको मिल जाएंगे, वो आ रहे हैं काठमांडू के अंदर परफॉर्मेंस करने के लिए। भारतीय गायक अरिजीत सिंह पहली बार नेपाल में यहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए आ रहे हैं। आयोजक हैं इसके यहाँ पे गिराज एंटरटेनमेंट एंड MN प्रोडक्शन ने बताया है कि 25 नवंबर को यहाँ पे हायत रिजेंसी काठमांडू के मैदान के अंदर ये प्रदर्शन करने वाले हैं। जो अरिजीत सिंह हैं वो दुनिया के तीसरे सबसे अधिक स्ट्रीम करने वाले सिंगर हैं, और उनकी भावनात्मक और अभिव्यक्ति, जो यहाँ पे अभिव्यक्तनात्मक आवाज़ है, उसके लिए वो पूरी दुनिया भर में जाने जाते हैं, जिससे उन्हें एक बड़ा यहाँ पे प्रशंसक आधार मिला। संगीत उद्योग में उनका योगदान वास्तव में काबिलियत तारीफ है, और वो बहुत बड़े बड़े पुरस्कार विजेता भी हैं। आयोजकों का कहना है कि जब ये कंसल्ट होगा उस समय 1 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे आने की उम्मीद है, और नेपाल का सबसे बड़ा शो ये रहने वाला है। इस बात से स्पष्ट था कि 15 अगस्त को शुरुआती टिकटें यहाँ पे कितनी तेजी से बेची गई। मैं आपको बता दूं कि नवंबर में शो है और 15 अगस्त को इसका यहाँ पे टिकटें बेची जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा शो होने वाला है ये। और इसके अंदर जो टिकटें हैं आगे आने वाली, वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पे करवा रहे हैं, तो यानी कि एक बहुत बड़ा शो हम कह सकते हैं इस चीज़ को। दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि पर्यटन के अंदर बहुत बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा काठमांडू सिटी को, क्योंकि अरिजीत सिंह अगर आ रहे हैं और कंसल्ट करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी इन्हें, ना केवल भारत देखेगा, ना केवल नेपाल देखेगा, बल्कि दुनिया के और बहुत कंट्री के अंदर देखे जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिंगर हैं अरिजीत सिंह, और इसी की वजह से इनकी पॉपुलरिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि आसानी से बहुत बड़े लेवल पर क्राउड इन्हें लाइव भी देखने वाला है। तो जो यहाँ पे नेपाल का टूरिज्म सिस्टम है उसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर पड़ने वाला है। हम कह सकते हैं कि नेपाल के टूरिज्म सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। पहले जो सलमान खान की बातें चल रही थी वो अभी तक नहीं आए, लेकिन उन्हीं के मुकाबले वाले कह सकते हैं हम अरिजीत सिंह सिंगिंग की दुनिया में बादशाह हैं, भारत के लिए भी और इसके साथ साथ आसपास के सभी यहां पे देशों के लिए, क्योंकि वो दुनिया के तीसरे सबसे ज्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले सिंगर हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी यहां पे अरिजीत सिंह के फैन हो? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने आ जाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।